कमाल की जगह है और अब हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। साइंस फिक्शन मूवी में सबसे कमाल की चीज जो देखने को मिलती है वो है इसके स्पेशल इफेक्ट। साइंस फिक्शन मूवी के पार्ट टू में आज मैं आपके लिए 10 और मूवीज लाया हूँ जिसमें कमाल के स्पेशल इफेक्ट के साथ इन सभी का हिंदी डब भी आपको देखने को मिल जाएगा और पार्ट वन के लिए ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर वन पे जो मूवी निकल के आती है उसका नाम है स्पेस स्वीपर। नेटफ्लिक्स पे रिलीज ये कोरिया की एक ऐसी स्काईफाई मूवी है जिसके स्पेशल इफेक्ट में काफ़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है और इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी इमोशनल तरीके से पेश की गई है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 6.5 है। सो इसमें दिखाया गया है कि इंसानों ने स्पेस में हाईटेक मशीनों के साथ रहना सीख लिया है बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होते हैं जिससे उन्हें मशीनों के साथ लड़कर अपने अर्थ को बचाना होता है। साथ ही इसमें इमोशनल तरीके के साथ हल्की सी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी बट कोरिया की ऐसी स्काईफाई मूवी अपने आप में ही बहुत यूनिक है और इसका ऑफिशियली हिंदी डब आपको नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ नाम के लिए टीम वर्क है, सब एक से बढ़कर एक सन की है। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर टू पे जो मूवी निकल के आती है उसका नाम है इंटरस्टेलर। 8.6 आईएमडी वाली ये मूवी अब तक की स्काईफाई और टाइम ट्रैवल मूवी में सबसे आगे है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन में एक ऐसी थ्योरी घुसेड़ी गई है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसमें स्पेस के दूसरे प्लैनेट वार्म होल और ब्लैक होल के अंदर की थ्योरी बताई गई है जिससे सिर्फ टाइम ट्रैवल में इंटरेस्ट रखने वाले लोग ही इस मूवी को समझ सकते हैं और इसमें टाइम ट्रैवल के साथ स्टोरी लाइन को जिस तरह से चलाया गया है वो थोड़ा आपको कंफ्यूज भी कर सकता है बट इसका क्लाइमैक्स आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा और ब्लैक होल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस मूवी को बिल्कुल मिस मत करना। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर तीन पर जो मूवी निकल के आती है उसका नाम है ऑटोमेटा। स्काईफाई रोबोटिक पे बेस्ड ये मूवी एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बनी है जो फ्यूचर में कभी भी सच हो सकता है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 6 है। इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे दिखाया है कि इंसानों ने रोबोटिक में सक्सेस पा लिया है बट अब वो रोबोट्स इंसानों को मारने लगे हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है उसे पता करने के लिए एक इंस्पेक्टर को लगाया जाता है और ये स्टोरी आपको थोड़ी बेसिक जरूर लगेगी बट इसके साथ जिस तरह का स्पेशल इफेक्ट और रोबोटिक फाइट्स को दिखाया गया है वो इसमें परफेक्ट है और इस मूवी का ऑफिशियली हिंदी डब आपको एमएक्स प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। उड़ाना ही पड़ा, रिपोर्ट के मुताबिक वो सेल्फ रिपेयर कर रहा था। सेल्फ रिपेयर और रोबोट, तुम्हें उस पुलिस वाले की जांच करनी चाहिए। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 4 पे जो मूवी निकल के आते हैं उसका नाम है एक्स मशीना। 7.7 आईएमडीबी के साथ अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल एक टर्न लेवल पे इस मूवी को चलाई गई है। नॉर्मली इंसानों के लिए मशीनों का डार्क साइड दिखाया जाता है बट इसमें मशीनों के लिए इंसानों का डार्क साइड दिखाया गया है। इस मूवी में एक एंड्रॉयड रोबोट को दिखाया गया जिसके टेस्टिंग के लिए एक इंसान को दिया जाता है और कैसे वो एक सुनसान जगह पर वहाँ के डार्क साइड का पता लगाता है। ये इस मूवी में एक इमोशनली और हल्के से रोमांटिक वे में चलाई गई है और इसमें न्यूडल्टी सीन भी है। सो आप इसे फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते बट फिर भी मशीनों के लिए इंसानों का वो कौन सा डार्क साइड है वो पता करने के लिए आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सकते हैं। You have to help me. Come on, buddy. After a long day of touring tests, you gotta unwind. इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो मूवी निकल के आते हैं उसका नाम है पैसिफिक रिम। 2013 में रिलीज इस मूवी के आपको दो पार्ट देखने को मिल जाएंगे जिसका सेकंड पार्ट 2018 में रिलीज हुआ है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 6.9 है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी ट्रांसफॉर्मर्स और गॉडजिला का मिक्स है जिसमें दिखाया गया है कि हमारे अर्थ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जिसको मारने के लिए इंसान बड़े बड़े रोबोट बनाते हैं और इसके स्पेशल इफेक्ट के साथ जो फाइट का सीन्स आपके सामने पेश किया जाएगा वो एकदम सुपर्ब है और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट आपको नेटफ्लिक्स और सेकंड पार्ट आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगा। सो इसके दोनों पार्ट को एक बार जाकर जरूर ट्राई करना। तुम कहां से आए हो, कौन तुम्हें विश्वास रखता है और कौन नहीं, ये हमारा वक्त है, यही मौका है कुछ कर दिखाने का।
इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर जो मूवी निकल के आया तो उसका नाम है आई रोबोट। 2004 की ये मूवी बेस्ड है ऐसे रोबोट पे जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स होने पे कैसे वो इंसान के जान के दुश्मन बन सकते हैं ये दिखाया गया है। और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.1 है। इसमें इंसानों के जरिए रोबोट्स का स्टार्टिंग पॉइंट रखा गया है जिसमें हल्की सी प्रॉब्लम या छेड़छाड़ कैसे इंसानों का जान का दुश्मन बन सकता है। और इसके मेन कास्ट में विल स्मिथ भी देखने को मिल जाएंगे। बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो आपको दिखाया जाएगा वो है रोबोट्स वर्सेस रोबोट फाइट। और इस मूवी में थोड़ी सी वीक स्टोरी लाइन के साथ इसका क्लाइमैक्स धमाकेदार है। सो इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ इसके क्लाइमैक्स को बिल्कुल मिस मत करना। I did not murder him. It worked, didn't it? Aim and fire. Run. इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 7 पर जो मूवी निकल के आते हैं उसका नाम है चैपी। ये एक ऐसी मूवी है जिसमें दिखाया गया कि क्या हो अगर पुलिस की जगह रोबोट को क्राइम सॉल्व करने का काम दे दिया जाए तो वो क्राइम को जड़ से ही मिटा देंगे। बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो आपको इस मूवी में दिखाया जाएगा। और इस मूवी के रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके VFX और स्पेशल इफेक्ट भी बहुत परफेक्ट तरीके से पेश किया गया है। और इसकी स्टोरी लाइन में कोडेड और AI रोबोट दोनों की स्टोरी अलग अलग तरीके से चलाई गई है, इसलिए रोबोटिक में अलग और यूनिक स्टोरी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इसे आप Amazon प्राइम या Netflix किसी पे भी देख सकते हैं। कड़क चापी, ऐसे लोगों का गेम। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर जो मूवी निकल के थे उसका नाम है माइनॉरिटी रिपोर्ट। 7.7 IMDb वाली इस मूवी में इंसानों का फ्यूचर का टाइम दिखाया गया जब टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। और इसके मेन कास्ट में टॉम क्रूज के साथ इसकी स्टोरी लाइन एक बहुत ही अलग नज़रिए से पेश की गई है। इसमें फ्यूचर में एक ऐसी पुलिस को दिखाया गया जो पास्ट में आकर केस सॉल्व करता है और जिससे टाइम लाइन में कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट इसके बाद भी उसके खुद के साथ कौन सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे। और कमाल के फ्यूचर टेक्नोलॉजी और स्काईफाई के साथ इसको एक सस्पेंशियस तरीके से भी पेश किया गया और ये मोस्ट पॉपुलर भी है। सो इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। समय 1 मिनट, चीफ भविष्य सच्चाई बनने वाला है। चुप रहो इवाना। जैड, जैड। हाँ बोलो। उसने दरवाजा बंद किया। इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 9 पर जो मूवी निकल के आते हैं उसका नाम है रोबो कॉप। रोबोटिक मशीनों में ये एक ऐसी मूवी है जिसमें इंसान प्लस रोबोट को मिक्स करके इसकी स्टोरी को चलाई गई है। और इसको IMDb पे 10 में से 6.2 की रेटिंग मिली है। इसमें दिखाया गया कि एक पुलिस वाला ड्यूटी पे ऐसे घायल होता है जिससे उसकी बॉडी के सारे पार्ट कट जाते हैं। तभी एक ऐसी मशीन भी तैयार होती है जो इंसानी ब्रेन से चल सके। सो एक ऐसा रोबोट जिसमें इंसानी ब्रेन लगा हो उसके साथ कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। और इस मूवी में AI का डार्क पॉइंट आपके सामने रखा जाएगा। What are your prime directives? You have the right to... इसके बाद हमारी वीडियो की लास्ट और नंबर 10 पर जो मूवी निकल के आती है उसका नाम है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मैड मैक्स का पार्ट 4 है और इसके टोटल 6 पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये मूवी सभी मूवी में बेस्ट है और इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.1 है। इसमें अर्थ का डार्क फ्यूचर दिखाया गया है जहाँ ना तो पानी है और ना ही पेट्रोल और पूरी जगह एक सुनसान रेगिस्तान में बदल चुकी है। सो ऐसे टाइम पे पेट्रोल और पानी की डिमांड कैसे बढ़ जाएगी और जिसके पास ये दोनों चीज़ें वो पूरी दुनिया का राजा होगा। और ऐसे टाइम पे इंसान खुद को कैसे सर्वाइव करते हैं वो दिखाया गया है। और इसमें फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है तो इसमें स्काईफाई मशीनें भी जरूर होंगे। साथ ही इसका स्क्रीन प्ले और डार्क सीन तो भाई साहब सुपर्ब है। और इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा रिकमेंडेड है कि इसको HD या Ultra HD पे ही देखें। जान पड़ेगी ब्लड बैंक, हमने इसे जिंदा पकड़ा, वो इसके टुकड़े करेगा। तो हमारी आज की स्काईफाई मूवी पार्ट 2 यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और सीरीज के साथ मूवी फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो मिलता है हमारे अगले वीडियो में। गुड बाय।